पहले डेरेक ओब्रायन का वो किस्सा सुनिए जिसमें वो कहते हैं कि स्कूल टाइम के दौरान जब मैंने रविंद्रनाथ टैगोर पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया तो उसे जीत लिया, लेकिन जब रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य की परीक्षा हुई तो मैं फेल हो गया। So I also have a Rabindranath story from school, if you allow me, because I've had a lot of heavy data and sharing, so a little school story, a little light-hearted. So I was in class 7 and I took part in a fancy dress contest, sir. And the music teacher was one judge and the Bengali teacher was the other judge. And 44 students in class and the teachers were there, our Bengali teacher and the music teacher, and hurrah, I won the fancy dress competition. I went dressed as Rabindranath Tagore. Wait, I haven't finished my story. Two weeks later, I got my Bengali literature paper results. The same judge who was there. And then she called me. It was the same lady who gave me first with the music teacher. She came and gave me. I looked at the Bengali literature paper. I got 14 on 50. I said, ma'am, what happened? She said, Nana, that was the fancy dress. This is the real thing. These school stories, sir, are very beautiful stories. Make me feel so nostalgic. Don't they, sir? डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पीएम मोदी के रविंद्रनाथ टैगोर लुक से बंगाल चुनाव में कुछ नहीं होने वाला, बल्कि मोदी सरकार को रविंद्रनाथ टैगोर के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। डेरेक ओब्रायन के इस बयान पर बीजेपी सांसद नीरज शेखर भड़क गए और कहा कि पीएम मोदी की दाढ़ी का इस तरह मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता। कल हमारे एक मित्र खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, उन्होंने ये कर लिया। आपको उससे ये स्तर है आपके बोलने का? बंगाल में क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री चप्पल पहनती है, चप्पल पहनने से कोई महात्मा गांधी हो जाएगा? महात्मा गांधी बनने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने, आप तेरी समझ में नहीं आता कि व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों हो रही है? हमारे प्रधानमंत्री अगर कुछ कर रहे हैं, आप उनकी कार्यों को देखिए। प्रधानमंत्री की शक्ल देखने के लिए और उसके लिए प्रधानमंत्री ने, इस देश ने उनको चुना है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश का मान सम्मान पूरे देश में, पूरे विश्व में उन्होंने बढ़ाया है, इसलिए उन्होंने काम किया। उनके जो, और जो मैं तो आश्चर्यचकित था, हमारे मित्र बोल रहे थे, क्या आप पीएम नरेंद्र मोदी के रविंद्रनाथ टैगोर लुक को चुनाव से जोड़कर देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।